हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं कंपनी के अंदर ही हूँ, आज मेरा रेस्ट था तो अभी मैं कंपनी के अंदर ही हूँ। मैंने कहा कि एक वीडियो बना लेता हूँ, तो वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं मैं कंपनी के अंदर ही हूँ, ये पीछे गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है, देख सकते हैं पीछे साइड को, ये है पीछे गाड़ी। अभी सुबह का 7 बज रहा है, पीछे देख सकते हैं बूम पर से खड़ा है। ये हमारे प्रजापति जी आ गए हैं। तो ये फ्रेंड्स, आगे वीडियो शुरुआत करते हैं, मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। आइए अब हम मैस चलते हैं, थोड़ा मैस में देखते हैं आज क्या बना है। ये सामने मैस, पीछे मेरे जाता हूँ पीछे मैस के लिए। तो ये चलते हैं। ठाकुर, क्या है नाश्ते में आज? जीरा राइस। जीरा राइस, बढ़िया। जीरा राइस खाने में मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं सुबह सुबह ज़्यादा चावल नहीं खाता हूँ नाश्ते में, राइस मुझे पसंद नहीं है। आइए अब हम बाहर चलते हैं, चाय पीने के लिए जाते हैं। देखते रहें, बने रहें वीडियो में, हम चलते हैं चाय पीने के लिए। ये सब गाड़ियाँ लगी हुई हैं किराए पे, कंपनी पे, कंपनी में मतलब किराए से लगी हुई हैं ये सब गाड़ियाँ। यही लोकल की है, महाराष्ट्र की है, मिट्टी डालने का काम करते हैं सब। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी की गाड़ियाँ निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं अपने काम के लिए, वर्क में जाने के लिए। देख सकते हैं डाला पूरा ऊंचा करके चेक करा कि कुछ लेके तो नहीं जा रहा डाले में कुछ भर के। और हम आए हैं आकाश की चाय की दुकान में, ये पीछे दुकान है कंपनी के जस्ट सामने ही है, देख सकते हैं पीछे कंपनी है। पीछे जस्ट कंपनी है, उसी के जस्ट सामने ये दुकान है। क्रिस आकाश का भाई है, ये बोल सुन नहीं पाता है, हाय कर दे, बोल नहीं पाता। ये क्रिस बहुत अच्छा लड़का है, मेरा दोस्त है। और अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम, फिर से कंपनी के रूम में आया था चाय पीने के लिए, आपको बताया था, अब जा रहा हूँ अपने रूम के लिए। तो वीडियो में बने रहें, आगे वीडियो देखते रहें, जा रहा हूँ रूम। सामने साइड को मेरा रूम हैगा, रूम के लिए निकल रहा हूँ मैं। ये दोस्तों मैं, ये हैगा फ्रेंड्स मेरा रूम, और यहाँ पर सूरज आराम कर रहा है। क्या सूरज ड्यूटी नहीं गए? नहीं, नाइट का ड्यूटी। अच्छा, नाइट में है, सही है। सूरज हमारा हेल्पर था, ऑपरेटर बन चुका है। और ये हैगा मेरा बेड,
जो कि मैं सुबह से उठा हूँ, इसको फोल्ड नहीं करा, अब इसको फोल्ड करता हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने अपने बेड को सही कर लिया है, जो कि अभी फोल्ड करके रख दिया है इसको, कंबल वम्बल को। तो दोस्तों रूम में हूँ मैं अपने, देख सकते हैं ये मेरा बेड है। और मैं सोच रहा हूँ आज कि मेरे को अकाउंट खुलवाना है अपना। एक्चुअली में हुआ क्या था, मेरा स्टेट बैंक का अकाउंट था वो मेरा बंद हो गया था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, स्टेट बैंक में ही पेमेंट करती है कंपनी, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से बुट्टी बोरी जाना पड़ेगा मुझको खुलवाने के लिए। तो आज कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं बुट्टी बोरी जाऊँ, तो आपको भी दिखाऊँगा बुट्टी बोरी का रास्ता और सब चीज़। तो आगे मैं आपको बुट्टी बोरी का रास्ता दिखाऊँगा और सब बैंक में क्या क्या होता है, आज मेरा खाता खुलता है कि नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों फाइनली मैं वो बुट्टी बोरी के लिए निकल रहा हूँ। मेरे साथ में राजेश भाई हैं, जो कि मैंने राजेश भाई से बोला कि राजेश भाई चलो मेरे साथ, मेरे पास गाड़ी नहीं थी दोस्तों, तो राजेश भाई को मैं लेके जा रहा हूँ। तो चलिए अब आगे का वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं बुट्टी बोरी का रास्ता दिखाऊंगा मैं आपको और बैंक में बताऊंगा क्या क्या काम चल रहा है मेरे बैंक में। दोस्तों बैंक का काम मेरा नहीं हो पाया है, अब दोबारा आऊँगा मैं यहाँ पर बैंक में, क्योंकि आज बैंक बंद था और हमें पता नहीं था कि बैंक बंद है। तो अब मैं आपको थोड़ा बुट्टी बोरी दिखा दूँ, बैंक पीछे बंद है देख सकते हैं, स्टेट बैंक का आया था बुट्टी बोरी के। तो दोस्तों बुट्टी बोरी में हमारा काम नहीं हुआ था बैंक का, अब हम वापस जा रहे हैं अपने रूम के लिए। सामने रिलायंस का पावर प्लांट है, सामने रिलायंस का पावर प्लांट है, सामने से दिखाता हूँ मैं आपको पावर प्लांट। ये दोस्तों रिलायंस के पावर प्लांट का मेन गेट देख सकते हैं। बुट्टी बोरी में है। तो दोस्तों वहाँ से लौटते समय हम यहाँ पर आए हैं, शंकर जी की मूर्ति है बहुत ही विकराल, शिव टेकरी बोलते हैं इस जगह को। आइए मैं आगे से दिखाता हूँ आपको।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शंकर जी का विकराल रूप, ये देख सकते हैं शंकर जी का विकराल रूप। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के हिसाब से, यहाँ पर आके बैठ भी सकते हैं आप, पिकनिक पार्टी कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ अपने रूम पे, और मेरा जो काम था वो तो हुआ नहीं, और यहाँ से मैं अपना ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं, यदि अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सभी को, भारत माता की जय दोस्तों।